अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 6 अप्रैल वेडनेसडे ने चारशंबे का दिन है और इस वक्त मैं सरू नगर आई हूँ। सरू नगर में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कई सारी हमारी मुस्लिम बहनें हैं, कई सारी इसमें से बेवा बहनें हैं जिनके शौहर नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, रोज़ा रह रहे हैं। एक हमारी बहन है जिनको फीट्स आते हैं, उनका कहना है कि फीट्स आते हैं, कुछ शुगर बीपी है, या आंटी है बेचारी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस वक्त। तो ऐसे लोगों को राशन का सख्त ज़रूरत है रमज़ान के, तो आप लोग आगे बढ़िए, लोगों के लिए जो हो सके आपसे राशन का अगर इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक एक घर को हम 1500-1500 रुपये का राशन किट दे रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहे तो राशन के पैकेजेस ही बनाकर लाकर दे सकते हैं। देखिए राशन एक ऐसी चीज़ है, मैं आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ कि जब भी आप किसी को राशन देते हैं तो जाहिर सी बात है राशन एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, जैसा कि एक गिज़ा है, खाने वाली चीज़ें जिसमें लोग इस्तेमाल करने के अंदर आप लोगों को बराबर दुआ ही देंगे। तो आप लोग इनकी मजबूरी समझते हुए, इनके बच्चों को देखते हुए, छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं, कुछ ऐसे हालात हैं इनके घर के जो शायद ये लोग अपने आप के सामने इजहार नहीं कर पाते, तो ऐसे हालात में ऐसे मौक़ में रमज़ान में अगर आप लोग ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़कर अपनी ज़कात अतियात इस तरीके के अगर अपने ऐसे लोगों के लिए अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होगा और आपकी ज़कात सही ऐसे हकदारों को मिलेगी। सही आपके जो अतियात आप अल्लाह की राह में जो खर्च करना चाहते हैं वो ऐसे हकदार लोग हैं जो वाकई में आप लोगों के हकदार हैं। लेकिन ऐसे हाल आप लोग भी समझ सकते हैं, कुछ ऐसे घर के लोग भी होते हैं जिनको अपने दिल की तकलीफ़ बयान करना नहीं आता, या फिर चार के सामने अपने दिल का दुख बयान करते हैं वो लोग थोड़ा शर्माते हैं या उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ऐसे लोगों को आप लोग समझते हुए अगर इनके लिए राशन का इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक एक घर को हमको 1500-1500 रुपये का राशन किट देना है, तो ये टोटल 55 यानी कि 55 घर की औरतें हैं जिन्हें हमें राशन तकसीम करना है। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, हम सरू नगर के रहने वाले हैं, बहुत परेशान हैं, रोज़े रह रहे गरीबा हैं, हमारी मदद करो, अल्लाह आपको देगा, हमारी मदद करो, बहुत परेशान। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग सरोना घर के रहने वाले हैं, हमारे शौहर का इंतकाल हो गया, हमारे घर में मायका माए थे, रोजी गुजारा निकलता, हमारे को इफ्तारी को शायरी को नहीं मिल रहा, और वो क्या बोलते सो आप लोगों को राश आपके तरफ से गुजारिश कर रहे कि राशन हमारे को भी पहुँचाओ। माँ देखो मेरे को जो तबीयत है ठीक नहीं रहती, ऐसे सब फिर आते हैं और शौहर का इंतकाल हो गया है, कुछ काम करे जैसा नहीं, मैं एक बच्चा बच्ची है, कुछ मदद रमज़ान है, इत्यानगर से आए सो है, कुछ भी मदद करेगा जैसा है तो कुछ भी परेशानी दूर होती है बोल के, रोज़े वोज़े रह रहे तो परेशानियाँ हो रहे बोल के, जब परेशानियाँ हो गई तो दूर दुआ करेंगे आप लोग। सरू नगर में रहने वाले हैं हम, हमारे हमारे शौहर से इंतकाल हो गए, एक तो हकीकी माजूर हूँ मैं, कुछ भी रमज़ान को इंतज़ाम करना है तो रमज़ान का इंतज़ाम करो हम लोगों को, आप तो मेहरबानी करो। थोड़ा वहाँ कुछ शुगर थायराइड बहुत चीज़ें प्रॉब्लम है, कुछ मदद कर दीजिए, दुआ जिंगे सबके लिए, राशन का इंतज़ाम करे तो सबके लिए, बहुत परेशान हैं।